हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विश्वकर्मा एंटरप्राइजेस। और दोस्तों मैं आपके लिए बॉक्स लेके आया हूँ जो इन डिजिटल का है दोस्तों। ये इसका मॉडल नंबर DTC 2030। दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले देखिए दोस्तों, इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है ये आ रहा है हमारा स्कैनिंग 57, और यहाँ पे कोई भी हमारा ना स्ट्रेंथ है ना ही क्वालिटी है, मतलब जीरो है दोस्तों क्वालिटी और स्ट्रेंथ। तो ये प्रॉब्लम है दोस्तों हमारा, ये जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूनर का, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों देखिए, या तो ये हमारा ट्यूनर ख़राब होता है, नहीं तो ये वोल्टेज का इनका प्रॉब्लम होता है तो भी होता है। तो चलेंगे पहले बॉक्स को चेक करते हैं। जैसे कि हम पहला यहाँ वोल्टेज चेक करेंगे दोस्तों, ये देखिए हमारा पहला 12 वोल्ट यहाँ तक क्लियर आ जाए। ये 12 वोल्ट होने के बाद से यहाँ पे हमें बस दोस्तों मिलेगा 6 वोल्ट के करीब में। देखिए यहाँ पे 6 वोल्ट, यहाँ पे 12 वोल्ट मिलेगा दोस्तों। ये जो कैपेसिटर होता है ये 12 वोल्ट के लिए रहता है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला हमारा जो काम है वो हमें ये रेगुलेटर चेक करेंगे। यहाँ पे 5 वोल्ट से 3.3, यहाँ पे 5 वोल्ट जो हमें 3.3 देगा, यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट जो हमें 2.5 देगा। तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर है। अब एक रीसेट है जो हमारा 3.3 है, तो ये हमारा दोस्तों यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। हमें CPU भी जो ज़्यादा गर्म हो रहा है दोस्तों, हो सकता है दोस्तों CPU से प्रॉब्लम हो, नहीं तो हमारे ये ट्यूनर ख़राब होगा, दोनों में से एक प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले हम ये CPU को हल्का सा वॉश करेंगे अच्छे से और चेक करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखिए CPU बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है। कभी भी दोस्तों CPU है ये हमारा रहे, बॉल वाला जो रहता है CPU ये रहे, तो हम हल्का सा लिक्विड इसमें डाल देंगे। हम हल्के हल्के इसे वॉश करेंगे, हल्का गर्म करेंगे, जिससे इसके अंदर का जो गंदगी रहेगा वो रिवॉल्व हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम इसे हल्का सा ही, ज़्यादा नहीं हीट मारेंगे, और तब तक हम केबल का वायर लगा के रखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम चेक करेंगे इसे एक बार कि अभी हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं होता है तो दोस्तों एक बार हम ट्यूनर चेंज करके चेक करेंगे। हो गया है, क्योंकि ये हमारा CPU से ही था। जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, कभी कभी CPU से भी प्रॉब्लम होते हैं, और कभी कभी ये सिस्टम ही ऐसा है दोस्तों, ये जीरो होएगा, ऐसे ही बढ़ेगा, ये एक एक पॉइंट बढ़ेगा। अभी ये 10 के ऊपर जाएगा स्कैनिंग, तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से कैंसिल एस ओके करने के बाद हमारा ये सिग्नल आ भी जाएगा। जैसे कि तो दोस्तों इसमें क्या मैंने आपको दिखाया, ये हमारा जो CPU होता है मेन CPU, ये इसका इसके वजह से, क्योंकि ये ज़्यादा हीट हो रहा था, ठीक है दोस्तों। और अभी अभी कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया, इसके वोल्टेज के बारे में भी बता दिया, ये ट्यूनर ख़राब था उसके बारे में भी बता दिया दोस्तों मैं। तो ये ट्यूनर भी कभी ख़राब होता है, अभी देखिए आपके सामने मैंने दिखाया CPU वॉश करके तो डायरेक्ट चालू हो गया, कभी कभी ये ट्यूनर भी ख़राब होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया, जो भी रहता है दोस्तों हमारे वहाँ रियल रहता है, ना एडिटिंग ना कुछ भी रहता है दोस्तों, होता है रिपेयर तो भी हम वीडियो डालते हैं, अपलोड करते हैं। और कभी कभी आपने वीडियो में देखा है कि एंड में हमने पूरा नहीं दिखाया, क्योंकि दोस्तों वो रिपेयर नहीं होने लायक है, इसके लिए हम उतने ही वीडियो डालते हैं, जिससे कि आपको ये समझ में आए दोस्तों कि कभी कभी बॉक्स रिपेयर भी होता है, कोई कोई बॉक्स नॉन रिपेयर भी होता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि दोस्तों 100% सभी बॉक्सेस सॉल्व होते हैं। तो दोस्तों कोई भी है
हम भी है टेक्नीशियन है, हम भी उतना बड़ा टेक्नीशियन है दोस्तों, आपके आपके बीच में रह के हम भी सीखे थोड़ा सा, जो भी सीखे हम आपको ज्ञान अपना देते हैं। आप भी आपके पास भी आप भी टेक्नीशियन हो दोस्तों, तो आप भी मुझे थोड़ा सा ज्ञान दे सकते हैं, जैसे कि कमेंट में आप हमें भी बता सकते हैं सर ऐसा कर सकते हैं, या जो भी रहे आपके मन में वैसा आप बता सकते हो दोस्तों। कोई हमें ये नहीं है दोस्तों कि हम बहुत बड़े टेक्नीशियन हैं दोस्तों, हमारा भी यही है जितना है। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।